क्या कुरान ने खूबसूरत मिसाल दी है मेरे बंदो। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मेरे सिवा जितनी दुनिया के इंसान हैं उनसे उनसे कहो एक मक्खी बना के दिखाएं, जो तुम्हें मक्खी बना के दे दे बेशक उसके आगे भी पड़ जाना और उसके भी पांव में पड़ जाना और उसको भी माबूद बना लेना। और अगर सारी कायनात के इंसान अंबिया शुहदा औलिया सिद्दीकीन वाइजीन नासहीन साइंसदान एक मक्खी तो क्या मक्खी का पर नहीं बना सकते, तो फिर मुझे छोड़ के क्यों भागते हो। मोहब्बत एक ऐसा अमल है जो पत्थर को भी मोम कर देता, पत्थर को। तो अपने बच्चों से अपने बच्चों को दोस्त बनाओ, दोस्त तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दोस्त बनकर तुम्हें अपना सब कुछ बताएं। ऐसी मोहब्बत दो भाई को बहन को माँ को बाप को बीवी को बच्चों को कि वो तुम्हारे दीवाने हों। मेरे नबी ने फरमाया कि सबसे आला दर्जे का ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे, अच्छे अखलाक की खुद आपने तारीफ फरमाई। आपने कहा अबू हुरैरा अपने अखलाक अच्छे करो। वो कहते हैं या रसूलल्लाह अच्छे अखलाक क्या होते हैं? तो आपने कहा अबू हुरैरा अच्छे अखलाक का आखिरी पैमाना ये है कि जो तोड़े उससे जोड़ो, जो तुमसे तुम्हारा हक ले ले तुम उसे उसका हक उसके घर पहुंचा दो, जो ज्यादती करे उसे माफ कर दो। तीन काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, और तीन काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा। जो झूठ बोलता है, जो जुल्म करता है, जो धोखा देता है, इज्जत के ख्वाब देखने छोड़ दे, जिल्लत मुकद्दर है इस जहान में उस जहान। जो सच बोलता हो, जो अदल करता हो, जो दयानतदार हो, उसके लिए इज्जत मुकद्दर हो गई। एक रुपया अल्लाह के नाम पे खर्च करना 1,00,000 रुपया खर्च करने से बढ़ गया। तो सहाबा ने अर्ज की वो कैसे बढ़ गया? तो आपने कहा एक आदमी के पास 2 रुपए, एक आदमी के पास करोड़ों रुपए, जिसके पास 2 रुपए थे उसने 1 रुपया अल्लाह के नाम पे दे दिया, और जिसके पास करोड़ों थे उसने 1,00,000 दिया। जिसने 2 में से 1 दिया उसने अपने माल का आधा हिस्सा दिया, जिसने 1,00,000 दिया उसने अपने माल का कोई 1,000वां हिस्सा दिया। जब तोला जाएगा तो 1 रुपए का वजन 1,00,000 से बढ़ जाएगा। आपने फरमाया जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग होंगे, तो मैं देखूंगा कुछ औरतें एक तरफ से आएंगी और मुझसे आगे चली जाएंगी, तो मैं उनसे पूछूंगा तुम कौन हो मेरी उम्मत में से, अपने नबी से भी आगे जा रही हो, कौन हो? वो कहेंगी या रसूल अल्लाह हम आपकी वो बेटियां हैं जो जवानी में बेवा हो गईं और बच्चों की खातिर दूसरी शादी ना की, हम वो हैं। इस सबर पर मेरे नबी ने कहा कि वो मुझसे भी आगे जा रही हूँ। इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है, जो बड़ी मजलूम है कि छोड़ी जा चुकी है। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। कभी उम्मत की ये शान थी एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयात, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नमाज, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के खड़ी हो गई कौम। इन्होंने जंगों में नमाज नहीं छोड़ी थी, आइए खाने पे नमाज छोड़ रहे हैं, दफ्तर पे नमाज छोड़ रहे हैं, कारोबारी डीलिंग पे नमाज छोड़ रहे हैं। नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। नमाज बंदे और रब के दरमियान एक ताल्लुक पैदा करती है, ताल्लुक पैदा